Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are doing very well. Let's discuss next one of the latest cue cards that is, describe your favorite food at a traditional festival or a special event in your country. You are supposed to cover the following cues. First one is, what it is, at which festival event you eat it, how it's made, and explain why you like it now. Please be all ears and watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So, let's quickly read my sample answer which I prepared for you. Well, I hail from a country renowned worldwide for its unique festivals, foods, and attires. I hail from a country which belong to. Okay, belong to I live in a country. As the country, I have to say. Hun. बिलोंग करती हूँ रिनाउंड फेमस है पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड संसार भर में इसके जो यूनिक जो क्या हैं यूनिक इसके फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स जो हैं यहाँ पे फूड्स एंड अटायर्स जो यहाँ के कपड़े हैं ओके क्लोथ्स हैं उसकी वजह से यूनिक फेस्टिवल्स फूड्स एंड अटायर्स की वजह से ये वर्ल्ड वाइड क्या है रिनाउंड है फेमस है एज़ अ ट्रू फूड लवर फूड लवर जहाँ फिर एंथजायास्ट आप बोल सकते हो फूड को लेकर फूड लवर होना ओके okay? एंथोजियास्ट होना इसको लेकर अनथोजियास्ट होना फूड लवर होना सो so, ये होने के नाते आई इन्जॉय टेस्टिंग वेरियस माउथ वॉशिंग डिशेज ड्यूरिंग डिफरेंट ओकेजनस सो इंजॉय करती हूँ मैं टेस्ट करना अलग various, अलग वेरियस अलग अलग ओके माउथ वॉशिंग जो वेरी टेस्टी डिशेज होती हैं फूड्स होते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग इसके दौरान डिफरेंट ओकेजनस के दौरान टुडे हाउ एवर आई एल बी फोकसिंग ऑन जब आप बोल सकते हो आई एल टॉकिंग अबाउट जब फिर आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट आई वुड लव टू टॉक अबाउट आई वुड प्रोफर टू टॉक अबाउट इन विच एवर वे यू वॉन्ट टू कैन से सो टुडे डे हाउ एवर बट यहाँ पर मैं फोकस करने जा रही हूँ फोकस करूँगी किसके ऊपर ऑन वन ऑफ माई सॉरी वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स बोल सकते हो जहाँ फिर ऑल टाइम फेवरेट जो ऑल टाइम फेवरेट है ओके okay? फूड्स हैं उनमें से एक ओके okay? Uh, कौन सा फनल केक ओके फनल केक या फिर जिलेबी आप बोल सकते हो लोकली नॉन एज जो लोकली उसका लोकल नेम क्या है जिलेबी नाउ नेक्स्टली जिलेबी इज़ अ डिलइटफुल स्वीट दैट ट्रुली शाइन्स ड्यूरिंग वेरियस फेस्टिवल्स स्पेशली दिवाली इज़ अ डिलइटफुल खुशी देने वाली ओके डिलइटफुल प्लीज करने वाली स्वीट दैट ट्रुली शाइन्स शाइन कहाँ कब करती है ड्यूरिंग मीन्स कब देखी जाती है ओके ड्यूरिंग वेरियस फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स के दौरान ओके okay? होती है देखी जाती है स्पेशली दिवाली दिवाली के दौरान दिस इज़ द फेस्टिवल ये जो फेस्टिवल है दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया इंडिया में क्या ये सेलिब्रेट किया जाता है ये है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल इसे कहा जाता है फेस्टिव, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है दिस वाइब्रेंट फेस्टिवल सिम्बलाइजिज़स ये क्या किसका प्रतीक है क्या ये सिम्बलाइज करता है दिस फेस्टिवल दिस फेस्टिवल वाइब्रेंट मीन्स कलरफुल ये जो फेस्टिवल है ओके सिम्बलाइज द ट्रीएम जीत को ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड इज़ अ टाइम फॉर फैमिलीज टू कम टुगेदर शेयर जॉय एंड इंडल्ज इन डिलीशियस फूड्स सो ये जो कलरफुल फेस्टिवल uh, है ये किसका प्रतीक है जीत का किसकी लाइट की जो जीत है ओवर डार्कनेस ओके जो गुड की ओवर बैड ओके इवल बुराई के ऊपर जो सच्चाई की uh, बुराई के ऊपर जो जीत है उसका प्रतीक है एंड इज़ अ टाइम और ये टाइम है फैमिलीज़ के लिए कम टुगेदर वो इकट्ठे होते हैं एंड शेयर वो अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ आनंद को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एंड इंडलजेंट और इन्वॉल्व होते हैं क्या इन्जॉय करने में अलग अलग जो डिलीशियस मॉफ वॉटरिंग फूड्स हैं ओके उन्हें इंजॉय करने में इन्वॉल्व होते हैं अनगेज होते हैं इंडल्ज होते हैं ना नेक्स्टली

इंटीरियर जो अंदर वाली साइड इन साइड जो होती है इज़ ऑफन इन्जॉयड ये इन्जॉय की जाती है अलॉन्ग साइड दूसरी और जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके साथ साथ ये भी इन्जॉय की जाती है जलेबी लविंगली द प्रेजेंस ऑफ जलेबी एड्स टू द फेस्टिव एटमोसफेयर ये क्या करता है Uh, जो प्रेजेंस है जलेबी की वहाँ पे जलेबी का होना क्या ये एड एड्स टू मीन्स ये इन्हांस करता है बढ़ाता है क्या चीज़ को बढ़ाता है क्या फेस्टिव एटमोस्फेयर को ओके okay, इनहस करता है ना लेट्स मूव फॉरवर्ड मूविंग अहेड द प्रेपरेशन ऑफ जलेबी इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग इसे प्रपेयर करना प्रेपरेशन इसकी क्वाइट फैसिनेटिंग है मीन्स इंटरेस्टिंग है फर्स्ट आ बैटर इज मेड बाय मिक्सिंग फ्लावर एंड यू गर्ट फर्स्टली क्या बैटर मिक्सर बनाया जाता है क्या मिक्स करके फ्लावर को एंड योगर्ट दही को मिक्स करके बनाया जाता है बैटर विच इज़ लेफ्ट टू फर्मेट फॉर अ फ्यू आवर्स आगे इसे छोड़ दिया जाता है फर्मेट होने के लिए मीन्स इस इसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है और इसके इसका टेक्सचर और जो फ्लेवर आता है और टेक्सचर इसका चेंज हो जाता है देन दिस बैटर इज़ पाइप इंटू हॉट ऑयल टू फॉर्म स्पायरल शेप्स इसके बाद इसको क्या पाइप इंटू पाइप पाइप से पाइप की हेल्प से विद हेल्प ऑफ पाइप ये हॉट ऑयल में क्या आ, क्या फॉर्म करने के लिए उसे पाइप की मदद से इसे स्पाइरल शेप दी जाती है स्पायरल uh, लाइक like, uh, इसे राउंड शेप uh, दी जाती है ओके okay, पाइप की मदद से इसे क्या फॉर्म फॉर्म uh, किया जाता है स्पाइरल शेप्स ओके जो गोल गोल ओके okay, जलेबी जैसे बनाई जाती है आपने देखा ही होगा ना नेक्स्टली वंस फ्राइड अंटिल गोल्डन ब्राउन द जलेबी इज़ सोक्ड इन वॉम शुगर सिरप जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसे फ्राई किया जाता है और देन इसको भिगोया जाता है जलेबी को किस में वाम शुगर शुगर सिरप में ओके okay? जो शुगर सिरप है वॉम हो उसमें इसे भुगोया बगो, जाता है द होल प्रोसेस इज़ एन इंजॉएबल एक्सपीरियंस ये रियली में होल प्रोसेस सारा प्रोसेस यो है रियली में इंजॉएबल एक्सपीरियंस है एंड सीइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ बैटर फ्राम सॉरी फ्राम बेटर टू ब्यूटीफुल जिलेबी इस ट्रुल कैप्टिवेटिंग ये सच में क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज होता है uh, किससे जो एक मिक्सचर होता है बेटर होता है उससे uh, किस चीज़ में ब्यूटीफुल जिलेबी में इस ट्रुल कैप्टिवेटिंग इनग्रोजिंग है कैप्टिवेटिंग है फैसिनेटिंग uh, है इंटरेस्टिंग है एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज है ओके इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो ना लेट्स मूव ऑर्वर्ड

की जगह पे आप जहाँ रियली लाइक आप बोल सकते हो कि रियली लाइक लव जलेबी को मुझे पसंद है प्राइम फर्स्ट नंबर पे जो प्राइम रीज़न है फर्स्ट वाला रीज़न है इट रिमाइंड्स मी ऑफ जॉयस फैमिली गैदरिंग्स वेयर लाफ्टर एंड स्टोरीज आर शेयर्ड ओवर अ प्लेट ऑफ स्वीट्स सो ये रिमाइंड याद दिलाती है उन जो जॉयस हैप्पी जो फैमिली गैदरिंग्स uh, उनकी याद दिलाती है वेयर uh, जहाँ पे जो लाफ्टर ओके लाफ्टर और स्टोरीज़ एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं किसके साथ साथ एक प्लेट अ प्लेट ऑफ स्वीट्स स्वीट्स के साथ साथ एक दूसरे के साथ लाफ्टर और स्टोरीज शेयर की जाती है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है ओके okay? Furthermore, its ke its distinct flavor and texture create a wonderful contrast, which makes each bite an exceptional experience. So, furthermore, uh, आगे its distinct इसका जो अलग सा के okay, जो flavor है and texture है, okay, ये create करता wonderful contrast create करता है, okay, इसका wonderful contrast है, which makes जो कि बनाता है each हर एक bite को हर एक bite जो खाते हैं हम ओके उसे क्या बना देता है एंड एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस हर एक बाइट क्या बन जाता है जो इसका जो फ्लेवर और टेक्स्चर है ओके अलग सा डिस्टिंक्ट जो इसका फ्लेवर एंड टेक्सचर है क्रिएट अ वंडरफुल कंट्रास्ट वंडरफुल कंट्रास्ट बनाता है और जो कि हर एक बाइट को क्या बना देता है हमारे लिए एक एक्सेप्शनल उसे बहुत ज़्यादा हम इन्जॉय करते हैं और वो एक एक्सेप्शनल एक एक्स्ट्रा स्पेशल जो एक्सपीरियंस बन जाता है ईच बाइट अपार्ट फ्रॉम दिस जलेबी रिप्रजेंट्स द स्वीटनेस ऑफ लाइफ एज वेल एज हैप्पीनेस दैट कम्स फ्राम शेयरिंग सो अपार्ट फ्राम दिस इसके अलावा जलेबी रिप्रजेंट शो करती है रिप्रजेंट करती है क्या स्वीटनेस लाइफ की मिठास ओके स्वीटनेस लाइफ की स्वीटनेस को रिप्रजेंट करती है एज वेल एज हैप्पीनेस और हैप्पीनेस रिप्रजेंट करती है जो कि शेयर करने से एक दूसरे के साथ लाफ्टर स्टोरीज ओके फूड शेयर करने से आती हैप्पीनेस उसे रिप्रजेंट करती है Finally, I'd say finally मैं कहूँगी जलेबी holds a special place in my heart. जो जलेबी है ये carry करती है hold करती है क्या एक special place है इसका मेरे heart में in my heart and is a staple और ये एक common जो एक uh, food है ओके okay, मेरे लिए of my festive celebrations. Festive celebrations में ये एक staple means ये एक मेरा कॉमन फूड है जो मैं इसे इंजॉय करती हूँ ओके स्टैपल है मेन फूड है ओके okay? मेन है